हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। भाई मैं आपके लिए एक अगेन अनदर वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप वीडियो है। ये वाली कार दिखाने वाला हूँ, सेकंड हैंड ऑप्शन में अवेलेबल है, सेल के लिए अवेलेबल है। तो भाई कौन सा मॉडल है, कितने प्राइस में आपको मिलने वाली है, सब मैं वीडियो के एंड में ही बताऊँगा। तो भाई इस चीज़ का वेट करें, वीडियो को भाई पूरा वॉच करें, लाइक शेयर करें, और भाई चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मेरे चैनल को। तो भाई ये तो है गाड़ी की कुछ साइड प्रोफाइल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पर, एंड क्लोजली तरीके से और दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप भाई क्लियरली तरीके से देख सकते हैं, साइड में प्रोफाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही हो तो मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे कि भाई गाड़ी में ना ये जो ये वाला एरिया है थोड़ा सा ये यहाँ से टूट रहा है इसका, ये प्लास्टिक का जो हिस्सा है बस। और भाई गाड़ी एकदम जेन्युइन कंडीशन में है, बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है, एक स्क्रैच भी नहीं है गाड़ी के ऊपर। तो भाई टायर कंडीशन भी बहुत अच्छी है। मैं पीछे से प्रोफाइल और दिखा देता हूँ मैं आपको गाड़ी का। पीछे से कुछ इस तरीके का प्रोफाइल मिलने वाला है, UP 14 नंबर है ये, गाज़ियाबाद नंबर मिलने वाली है आपको। तो ये तो हो गई भाई बाहर की बात, एक बार मैं फ्रंट का लुक और दे देता हूँ। भाई फ्रंट से कुछ इस तरीके की दिखती है गाड़ी, कोई स्क्रैच नहीं, कोई टूट फूट नहीं, कुछ नहीं। हेडलाइट टेल लाइट सब एकदम जेन्युइन कंडीशन में, UP 14 नंबर, और भाई बढ़िया कंडीशन में आपको मिलने वाली है और अंडर बजट मिलने वाली है। ये तो हो गई सारी बाहर की प्रोफाइल, अब मैं आपको अंदर से और दिखा देता हूँ अंदर से कैसी है। ये मैंने गेट खोल दिया भाई, अंदर से कुछ इस तरीके की प्रोफाइल मिलने वाली है आपको गाड़ी पे। सबसे पहले हम दरवाजे पाएंगे, 2 पावर विंडोज़ इसमें आपको मिलती हैं, पीछे वाली जो है वो आपको इसमें मैनुअल मिलेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, एंड भाई यहाँ पर इसके स्पीकर, और अंदर से कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। तो भाई सेंटर कंसोल दिखाने की बात करूं तो आपको ये कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे शेवलेट वालों की गाड़ी है भाई। शेवलेट पता है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार शेवलेट वालों की गाड़ी नहीं है, अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, टिकती नहीं है, चलती नहीं है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। भाई मैं पर्सनली शेवलेट वालों की गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, स्पार्क है फिलहाल मेरे पास अभी, और मैंने एक और यूज़ की थी वो मेरे एक फ्रेंड पर थी, वो थी AVO, शेवलेट AVO। भाई मतलब जब तक देखो मेरे पास रही है गाड़ी, जब मैंने चलाई है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और मैं तो ये बोलूँगा मुझे तो टॉप ऑफ द क्लास गाड़ी लगती है यार, टॉप ऑफ द क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ लगती हैं मुझे तो, कोई चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाड़ी में से ना एक पावर इन्हेंस होती है यार शेवलेट वालों की गाड़ी में से, तो मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। जो लोग कहते हैं वो उनका खुद का ओपिनियन है, मगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2009 मॉडल है ये, जैसे कि आप ये गाड़ी देख रहे हैं 2009 मॉडल, आस्किंग प्राइस के 1,00,000 रुपये हैं, प्योर पेट्रोल पे है। और भाई हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैंने ओनर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करें और गाड़ी को परचेज़ कर सकते हैं।